दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रचिन रवीन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ मैच में चेन्नई के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के बाद रचिन रवीन ने धोनी को लेकर दिया जल्द जीत लेने वाला बयान। इस बारे में इस खिलाड़ी की पूरी चर्चा क्रिकेट जगत में होने लगी। आखिर कैसे रचिन रवीन ने छुड़ाए हैं गुजरात के गेंदबाजों के पर खच्चे और रचिन ने लगाए कुल कितने छक्के? कैसे रचिन रवीन ने अपनी बल्लेबाजी से जीता है करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल? घातक बल्लेबाजी और चेन्नई की लगातार दूसरी जीत दर्ज होने के बाद क्या कुछ धोनी को लेकर रचिन रवीन ने दिया बयान, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रचिन रवीन और धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कहीं ना कहीं फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला था, क्योंकि चेन्नई के बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रचिन रवीन और ऋतुराज गायकवाड़ से मिलकर तेजी से रन बनाना शुरू किया और रचिन रवीन का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि वह सर पर कफन बांधकर उतरे हैं, क्योंकि वह गुजरात के एक भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन वह इस मैच में अर्धशतक लगाने से चूक गए। 20 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर पवे ने लौट गए और अंत में समीर रिजवी और शिवम दुबे ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम की पारी को संभाल कर दुबे ने खतरनाक अंदाज में 23 गेंद का सामना करते हुए 5 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 51 रन बनाकर चेन्नई के स्कोर को 206 रनों तक 20 ओवर में पहुंचाया। जवाब में उतरी गुजरात की टीम चेन्नई के गेंदबाजों के सामने टिक भी नहीं सकी। टीम की तरफ से दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट झटक कर गुजरात के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। पूरी टीम 20 ओवर में केवल 143 रन 8 विकेट पर बना पाई और चेन्नई सुपर किंग ने मुकाबला 63 रनों से जीतकर लगातार दूसरी जीत आईपीएल की दर्ज कर ली। इसके बाद स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे। वहीं चेन्नई सुपर किंग का खेमा भी बेहद खुश था। मैच खत्म होने के बाद रचिन रवीन ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया। तो चलिए अब हम आपको रचिन रवीन के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने चेन्नई की जीतने के बाद कहा है। चेन्नई की लगातार दूसरी जीत दर्ज होने के बाद रचिन रवीन ने धोनी को लेकर बयान देते हुए कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि धोनी सर के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उन्होंने दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे टीम में मौका दिलाया है और मैं अपने आप को साबित कर रहा हूँ। मैं धोनी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रैक्टिस सेशन में सिखाया है, वह मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं तो उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं और उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चलने की पूरी कोशिश भी करता हूं। मैं उनकी बल्लेबाजी और कैप्टनसी देखकर बड़ा हुआ हूं और ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैंने तो जो आज जो भी कुछ किया है वह सिर्फ धोनी सर की ही देन है। मैं एक बार फिर से धोनी सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। अगर वह मुझे इसी तरह हमेशा मौका देते रहेंगे तो मैं किसी भी हाल में इस बार चेन्नई को चैंपियन बना सकता हूं। मेरे अंदर वह करने की काबिलियत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रचिन रवीन ने जीत के बाद धोनी को लेकर बयान देते हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, 42 की उम्र में भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चीते की फुर्ती दिखाकर दिला दी चेन्नई की टीम को बड़ी जीत। तो आईपीएल के दिग्गजों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में चेन्नई की टीम को जीत मिली है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चीते की फुर्ती दिखाकर 42 की उम्र में सभी को प्रभावित किया और शानदार कैच लेकर मैच को पासा पलट दिया, जिसको देखकर आईपीएल के दिग्गज दंग रह गए। इसी बीच एबी डिविलियर्स क्रिस गेल से लेकर युवराज सिंह सुरेश रैना ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के शानदार कैच के दम पर चेन्नई को जीत मिली, इसके बाद आईपीएल के दिग्गजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे में से कौन है महान बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में चेन्नई की टीम को 63 रन से जीत मिली है। इस मैच में चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसका पीछा करते हुए गुजरात की टीम 143 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने के साथ 63 रन से मैच को हार गई, जहां पर जीत के असली हीरो महेंद्र सिंह धोनी रहे, जिन्होंने अपनी शानदार कप्तानी के साथ बेहतरीन विकेट कीपिंग और फील्डिंग का एक जबरदस्त कैच पकड़ा और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की 42 साल की फुर्ती में देखकर आईपीएल के दिग्गज खुश हुए और उन्होंने होश उड़ा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को गुजरात के खिलाफ मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि चेन्नई की टीम को इस मैच में जीत मिले। हालांकि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है, उन्होंने इस मैच के अंदर जबरदस्त कप्तानी करने के साथ जबरदस्त फील्डिंग करके दिखाई और चेन्नई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कैच पकड़ने के साथ मैच के रिजल्ट को बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी अगर बेहतरीन तरीके से विकेट कीपिंग नहीं करते तो शायद महत्वपूर्ण विकेट चेन्नई की टीम को नहीं मिलता और चेन्नई की टीम इस मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाती। ऐसे में धोनी से युवा खिलाड़ियों को सीखने की जरूरत है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई को गुजरात के खिलाफ मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, हालांकि इस मैच में जीत के कई
बड़े हीरो रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना चेन्नई की टीम का इस मैच में जीतना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बेहतरीन कप्तानी के जरिए सभी को प्रभावित किया, साथ में यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए 42 साल की उम्र में एक ऐसा कैच पकड़ा जो कि युवा खिलाड़ी छोड़ देते हैं, उसके देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी अगर 42 साल की उम्र में ऐसी फुर्ती दिखा रहे हैं तो युवा खिलाड़ियों को महेंद्र सिंह धोनी से काफी ज्यादा सीख लेने की आवश्यकता है। तो वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को गुजरात के खिलाफ इस मैच में जीत मिली है, हालांकि चेन्नई की टीम को जीत के लिए महत्वपूर्ण बल्लेबाज और महत्वपूर्ण गेंदबाजों ने टीम को जीत दिलाने का दारोमदार उठाया था, लेकिन इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के बिना चेन्नई की टीम का जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी कप्तानी के जरिए तो सभी को प्रभावित किया। हालांकि वो कप्तान नहीं है, लेकिन पीछे से कप्तानी करके मुख्य फैसला उन्होंने ही अपने साथ में विजय शंकर का बेहतरीन कैच पकड़कर 42 साल की उम्र में बड़ी फुर्ती दिखाई और बताया कि कैसे युवा खिलाड़ियों को इस तरह फील्डिंग करनी चाहिए, ऐसे में युवा को महेंद्र सिंह धोनी से सीख लेने की जरूरत है। तो वहीं युवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को गुजरात के खिलाफ जीत मिली है, जिसमें जीत के असली हीरो महेंद्र सिंह धोनी है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला और ना ही वो टीम के कप्तानी है, लेकिन उनके पीछे से टीम की कप्तानी की है, साथ में विकेट कीपिंग के जरिए सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी 42 साल की उम्र में 18 साल की फुर्ती दिखाकर सभी को प्रभावित किया है और बता दिया है कि कैसे युवा खिलाड़ियों को उनके जैसे फिटनेस रखने की आवश्यकता है। ऐसे में पूरी दुनिया के युवा क्रिकेटरों को महेंद्र सिंह धोनी ने इस समय काफी ज्यादा उनसे सीख लेने की आवश्यकता है, जो एक फिटनेस ब्रांड अब बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस से बाकी खिलाड़ियों को सीखने की आवश्यकता है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और चेन्नई के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर गुजरात की टीम को बुरे तरीके से हरा दिया। इस दौरान चेन्नई की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 206 रन 26 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने आई गुजरात की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई और चेन्नई की टीम इस मैच को जीत गई, जहां पर चेन्नई की टीम के लिए शिवम दुबे ने सर्वाधिक 51 रन का योगदान दिया और चेन्नई की टीम को इस मैच में जीत दिलाई। जिसके बाद गुजरात के कोच आशीष नेहरा का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, जिसमें गुजरात के कोच आशीष नेहरा ने बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम को इस मैच में चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे गुजरात की टीम चेन्नई के खिलाफ इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन करेगी। हालांकि चेन्नई की टीम को चेन्नई के घर में हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मुझको मेरी गुजरात की टीम पर पूरा भरोसा था, वह इस मैच में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए चेन्नई की टीम को हरा देगी। हालांकि चेन्नई की टीम के खिलाफ जीत तो नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना तो भरोसा था कि अगर चेन्नई की टीम के खिलाफ गुजरात की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाती तो वह मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना देगी, लेकिन ऐसा ही आज मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि गुजरात की टीम का हार का सबसे बड़ा कारण गुजरात की टीम का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन कर गेंदबाजी करना है और इसी के चलते हमें करारी हार मिली है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम की तरफ से इस मैच में अगर पहले ओवर के अंदर ही विरोधी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट मिल जाता है तो हमारी टीम को आसानी से जीत मिल सकती थी, लेकिन इस मैच में सबसे बड़े हार के जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब तक चेन्नई की टीम के साथ है तब तक चेन्नई की टीम को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि चेन्नई की टीम के लिए इस मैच में अगर महेंद्र सिंह धोनी और बेहतरीन तरीके से पीछे से ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी मदद नहीं करते तो हमारी टीम इस मैच में जीत जाती, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी के जरिए ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान न होने के बावजूद मदद कर रहे थे। इसके चलते चेन्नई की टीम को समय समय पर विकेट मिलते गए। इसके अलावा इन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर कप्तानी करने का इतना ही मन है तो वह दोबारा से कप्तान बने, लेकिन इस तरह की हरकत तो ना ही करे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को हर मैच में पीछे से कप्तानी करना चाहिए या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सातवां और सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। पहले तो शुरुआत में इन दोनों बल्लेबाजों को चेन्नई की गेंदबाजों का सामना करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू किए तो फिर एक के बाद एक गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन रचिन रविंद्र तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंद पर 46 रन 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से राशिद खान के शिकार हो गए और 62 रनों के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर गायकवाड़ का साथ देने के लिए रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर गुजरात के कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए साई किशोर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई के दो बल्लेबाज पवेलियन को लौट गए, लेकिन एक तरफ से ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ गए और आते ही उन्होंने किशोर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद भी वो नहीं रुके, अगली गेंद कभी उन्होंने तारामंडल का दर्शन कराते हुए छक्के में तब्दील किया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन बनाकर स्पेंसर जॉनसन के शिकार हो गए। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन
दुबे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आए। शिवम दुबे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 155 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। देखते देखते शिवम दुबे 22 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक चुके थे, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो राशिद खान के शिकार हो गए। चेन्नई को चौथा झटका लग गया, लेकिन डेरिल मिचेल मैदान पर मौजूद थे, उनका साथ देने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इसके बाद भी वो नहीं